हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त कहे कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक चेंजर्स। तो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास ना ही कोई इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है और ना ही कोई इन्वर्टर रिपेयर करने वाले हैं। आज मेरे पास दो नॉर्मल पैकेज में और दो एसएमडी पैकेज में ट्रांजिस्टर रखा हुआ है। तो आज हम लोग समझेंगे फुल डिटेल, ट्रांजिस्टर का फुल डिटेल समझेंगे आज हम लोग, ठीक है? ट्रांजिस्टर को कैसे चेक किया जा सकता है, खराब है या फिर सही है, ट्रांजिस्टर एनपीएन है या फिर पीएनपी, ट्रांजिस्टर का कौन सा पिन बेस है, कौन सा पिन एमिटर है, कौन सा कलेक्टर है, और मेरा नॉर्मल ट्रांजिस्टर और एसएमडी ट्रांजिस्टर में क्या फर्क है, और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, नॉर्मल ट्रांजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं, एसएमडी ट्रांजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं, इस सारा चीज हम आप लोग को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली आज। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन इतना एडवांस होती जा रही है, जो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन पर एक्टिव नहीं रहिएगा, आप जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन एडवांस होती जा रही है, उसी हिसाब से अगर आप एडवांस नहीं होइएगा तो आने वाले दिन में काम नहीं कर पाइएगा। पहले नॉर्मल ट्रांजिस्टर था, अब एसएमडी पैकेज में कर दिया है, इतना एसएमडी कर दिया है जो आप फूक मारोगे उड़ जाएगा, फूक मारिए उड़ जाएगा। दिखा दूं मैं आपको, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए सब उड़ गया, सारा चीज उड़ गया, यहाँ पर फूक मारे उड़ गया, अब मिलवो नहीं कर रहा, कहाँ गया, कहाँ गया, देखिए यहाँ गया, यहाँ पर। तो आप ही बताइए, फूक मारने से कंपोनेंट उड़ जा रही है, यहाँ पर सोचने वाली बात है, फूक मारने से मेरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर उड़ जा रही है, तो कितना छोटा बना दिया गया है, मतलब कितना एडवांस हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन। तो आपको भी एडवांस होना पड़ेगा, अगर आप एडवांस नहीं होइएगा तो आने वाले दिन में काम नहीं कर पाइएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे केवल ट्रांजिस्टर का वर्किंग के बारे में, ट्रांजिस्टर का फुल डिटेल। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल ट्रांजिस्टर में मेरा दो प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन होता है, दूसरा पीएनपी होता है, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये बन रहा होगा कि ट्रांजिस्टर क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सा काम करता है। तो ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम करता है, ट्रांजिस्टर रेगुलेट का काम करता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई का काम करता है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको मैं चेक करके भी बताऊंगा एसएमडी और नॉर्मल। अभी आपको पहले इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा देते हैं, ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो देखिए, मेरा एनपीएन है, तो एनपीएन में भी तीन पिन होता है, पीएनपी में भी तीन पिन होता है, पहला बेस होता है, कलेक्टर होता है, एमिटर होता है। यहाँ पर भी देखिए, बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है, मतलब पीएनपी में भी दोनों का पिन सेम है, बट डिफरेंट है, इसका काम करने का तरीका अलग है। मतलब जिस हिसाब से एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करती है, ठीक उसी का उल्टा पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करती है। कैसे? देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की ओर है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो अंदर की ओर है। देखिए, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर से वोल्टेज को इनपुट लेता है और एमीटर से आउट करता है, लेकिन ठीक उल्टा पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर में वोल्ट को इन करता है और कलेक्टर से आउट करता है। देखिए, ठीक है, मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सप्लाई होता है, जब भी सप्लाई दिया जाता है कलेक्टर में दिया जाता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो सप्लाई दिया जाता है वो एमीटर में दिया जाता है। अब देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर पर 12 वोल्ट सप्लाई दिया गया है और एमीटर से 12 वोल्ट आउट में लिया गया है। और ठीक देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर में 12 वोल्ट सप्लाई दिया गया है और कलेक्टर से आउटपुट लिया गया है। तो डिफरेंस इसमें यही है, डिफरेंस क्या है, पीएनपी में मेरा एरो अंदर की ओर होता है, एनपीएन में मेरा एरो बाहर की ओर होता है। एनपीएन में मेरा जो सप्लाई आता है वो हरदम कलेक्टर पर रहता है और एमीटर से आउट लिया जाता है, ठीक है, इतना जानिए। और पीएनपी में हरदम एमीटर में सप्लाई रहेगा और कलेक्टर से आउट लिया जाएगा, ठीक उल्टा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में जो वोल्ट को रेगुलेट करवाया जाता है, स्विचिंग करवाया जाता है, एम्पलीफाई करवाया जाता है, वो कब करवाया जाता है, जब इसके बेस पर वोल्ट मिलता है, इसको वन होने के लिए, इसको एक्टिव होने के लिए इसके बेस पर 0.7 वोल्ट दिया जाता है। जब तक इसके बेस पर वोल्ट नहीं दीजिएगा, तब तक कलेक्टर का सप्लाई एमीटर से आउट नहीं करेगा। जैसे इसके बेस पर 0.7 वोल्ट मिला, वैसे ही कलेक्टर का सप्लाई एमीटर से आउट करने लगेगा। मान लीजिए एमीटर, मान लीजिए कलेक्टर पर मेरा 12 वोल्ट सप्लाई इन है, ठीक है, अब इसके बेस पर 0.7 वोल्ट दे दिया, ये मेरा ट्रांजिस्टर वन हो गया, एक्टिव हो गया, अब ये मेरा कलेक्टर का सप्लाई 12 वोल्ट एमीटर से आउट करने लगेगा। जैसे इसके बेस पर 0.7 वोल्ट मिलता है, वैसे ही एक्टिव हो जाता है, इसके अंदर इसका वोल्ट एमीटर से आउट करने लगता है, कलेक्टर का वोल्ट एमीटर से आउट करने लगता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर इसके बेस पर 0.7 वोल्ट दिया गया, उसके बाद कलेक्टर का 12 वोल्ट एमीटर से आउट लिया गया, लेकिन पीएनपी में आप देखिए 0.7 वोल्ट यहाँ पर माइनस किया जाता है, कम किया जाता है। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में 0.7 वोल्ट देना पड़ता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में 0.7 वोल्ट लेना पड़ता है, कम करना पड़ता है, किसके अपेक्षा, एमीटर की अपेक्षा।
देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसके एमीटर पर 12 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, तो इसके अपेक्षा जब बेस पर 0.7 वोल्ट कम हो जाएगा तब ये मेरा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तब ये मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। कौन सा ट्रांजिस्टर? पीएनपी का बात कर रहे हैं हम अभी यहाँ, ठीक है। तो किसके अपेक्षा? जब एमीटर में 12 वोल्ट है, अब 12 वोल्ट यहाँ पर है तो इसके अपेक्षा इसके बेस पर 0.7 वोल्ट कम रहेगा तभी ये वर्क करेगा। मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट है तो यहाँ पर आपको वोल्ट कितना अप्लाई करना होगा? 11.3 वोल्ट। इसके एमीटर पर अभी यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो जब तक इसके बेस पर आप 0.7 वोल्ट कम नहीं कीजिएगा इसके अपेक्षा, मतलब 11.3 वोल्ट जब तक नहीं दीजिएगा तब तक ये एमीटर का वोल्ट कलेक्टर से आउट नहीं करेगा। यही डिफरेंस होता है एनपीएन और पीएनपी में, ठीक है। मतलब इसमें आप क्या समझे, एनपीएन में एरो बाहर की ओर होता है, एनपीएन में सप्लाई कलेक्टर में लिया जाता है, एमीटर से आउट लिया जाता है, और पीएनपी में एरो अंदर की ओर होता है, इसका सप्लाई एमीटर में होता है और कलेक्टर से आउट लिया जाता है। इसमें वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए इसके बेस पर 0.7 वोल्ट अप्लाई करना पड़ता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए 0.7 वोल्ट कमाना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर समझा इसका थ्योरेटिकल, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। ठीक इसी तरह होता है एसएमडी में भी, एसएमडी में भी सेम होता है, एसएमडी और नॉर्मल में कोई डिफरेंस नहीं है, काम करने का सेम तरीका है, लेकिन थोड़ा पिन अलग होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में नहीं, इसके बनावट के विषय में। इसका कौन सा पिन कैसे अलग है आपको बताएंगे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर भी एनपीएन में इसका एरो बाहर की ओर है एमीटर पर, और पीएनपी में एरो अंदर की ओर है एमीटर में, ठीक है। सेम तरीका है काम करने का, केवल पिन में थोड़ा डिफरेंस आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए आप समझ लेते हैं इसका टेस्टिंग, हम मीटर से कैसे पकड़ सकते हैं कि मेरा ट्रांजिस्टर एनपीएन है या फिर पीएनपी। तो देखिए यहाँ पर हमने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख लिया है, अब देखिए यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को उठाता हूँ, एनपीएन को हमको ऐसे पकड़ना है। यहाँ पर देखिए इसका बनावट, ये जो मेरा कट का निशान है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपको ट्रांजिस्टर को पकड़ना है, पकड़ने के लिए आप देखिए, पकड़ने के लिए आप सीखिए तभी आप इसका पिन को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। मतलब NPN नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव मेरा बेस पर है बीच में, तो बीच में रखते हैं पॉजिटिव। देखिए आप ध्यान से, बीच में रख दिया पॉजिटिव और साइड साइड से नेगेटिव रखता हूं। देखिए वहां पर रीडिंग आ रहा है 800 के करीब, दोनों साइड रीडिंग आएगा तब हम समझेंगे NPN ट्रांजिस्टर ये मेरा, इधर भी आ रहा है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि बीच में मेरा पॉजिटिव है और दोनों साइड से मेरा नेगेटिव है, तो मेरा यहाँ पर वैल्यू बता रहा है, तो मेरा हो गया N और बीच वाला पॉजिटिव तो P और लास्ट वाला फिर नेगेटिव, तो ये N मतलब नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अगर इसको उल्टा कर दें तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगा, देखिए, क्योंकि मेरा ये ट्रांजिस्टर NPN है ना कि PNP। देखिए कोई रीडिंग नहीं आएगा दोनों साइड से, इसका मतलब ये मेरा ट्रांजिस्टर NPN है। अब देखते हैं पीएनपी को टेस्ट करके, ये मेरा पीएनपी, पीएनपी मतलब बीच में, देखिए पीएनपी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बीच में रखना है नेगेटिव, देखिए बीच में रख दिया नेगेटिव, लास्ट में फर्स्ट वाले पिन पर पॉजिटिव, फिर लास्ट वाले पिन पर पॉजिटिव, रीडिंग आ रहा है दोनों साइड, इसका मतलब हो गया मेरा पीएनपी। देखिए रीडिंग आ रहा है, देखिए आप ध्यान से, यहां पर रीडिंग आया, यहाँ पे भी रीडिंग आया, तो ये आप समझ सकते हैं मीटर से आप पता कर सकते हैं कि मेरा ट्रांजिस्टर एनपीएन है या फिर पीएनपी। कैसे पता कर सकते हैं आपको भी यहाँ पर दिखाएं, मतलब बीच वाले पॉइंट पर रखना है आपको पॉजिटिव एनपीएन में, देखिए एनपीएन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो बीच में रख दिया पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर पी है, और दोनों साइड से आप नेगेटिव रखिएगा तो रीडिंग आएगा मीटर पर 750-800 के करीब, तो आप समझ जाइए आपका ट्रांजिस्टर पूरी तरह से सेफ है, ओके है और एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसमें ठीक उल्टा होता है पीएनपी में, बीच में रखना होगा N क्योंकि यहाँ पर N है, और दोनों साइड से पॉजिटिव पॉजिटिव रख के देखना होगा आपका रीडिंग आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देख लिया कि NPN और PNP का पहचान कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तीन पिन है, अब इसको हमको देखना है कि नेगेटिव की एमीटर कलेक्टर और बेस कौन सा है। तो ट्रांजिस्टर को आपको जिस हिसाब से हम अभी पकड़ रखे हैं इसी हिसाब से पकड़ना है, इस हिसाब से देखिए, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कट का निशान वो ऊपर की ओर होना चाहिए, तब आप टेस्टिंग कर सकते हैं इसका, देखिए इस हिसाब से आपको पकड़ना है ट्रांजिस्टर को। अब इधर से जो फर्स्ट वाला लेग होगा ये वाला, वो एमीटर होगा,
बीच वाला बेस होता ही एक तो हम जानते हैं, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका कलेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप ट्रांजिस्टर को पकड़ रखे हैं तो इस हिसाब से पकड़िए। अब इस हिसाब से हमको पकड़ लेना है। उसके बाद फर्स्ट वाला जो पिन होगा वो एमीटर होगा, बीच वाला बेस होगा, और तीसरा वाला लास्ट वाला कलेक्टर होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सारा चीज इसका नॉर्मल वाले ट्रांजिस्टर का सारा चीज आपने समझ लिया। अब जो मेरा यहाँ पर बच जाता है वो एसएमडी पैकेज वाला ट्रांजिस्टर बच जाता है। इसको टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? इसको टेस्टिंग करने के लिए हमको थोड़ा जूम करना होगा कैमरा को, क्योंकि ये बारीकी है, बहुत ही छोटी पैकेज में है। इसको फूक मारने से आप उड़ा सकते हैं कहीं भी। तो चलिए थोड़ा कैमरा को जूम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कैमरा को हमने जूम कर लिया है और मीटर को भी यहाँ पर रख लिया कंटिन्यूटी रेंज पर, ठीक है। अब आपको चेक करना है। अब अभी हम यहाँ पर नहीं जानते हैं कि मेरा कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन है और कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी है। अब हमको चेक करके पता करना है कि कौन सा ट्रांजिस्टर मेरा एनपीएन है और कौन सा पीएनपी है। तो देखिए यहाँ पर भी तीन पिन है। तो फ्रेंड्स आपके माइंड में आ गया होगा कि यहाँ पर जो बीच वाला पिन है वो बेस होगा, इसका जो बीच वाला पिन है ये और ये वाला बेस होगा। लेकिन ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं, ये मेरा बेस नहीं है। तो भाई बेस कौन है अभी आपको पता चलेगा। देखिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। मीटर को यहाँ पर हमने रख लिया एक, और एक यहाँ पे रख लिया। मीटर का प्रोप यहाँ पे एक रख लिया फर्स्ट वाले पिन पर, और बीच वाले पिन पर नेगेटिव रख लिया। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आया, ठीक है। अब इधर से रखता हूँ यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आया। अब क्या करेंगे? अब पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ पर रखना है फर्स्ट वाले जगह पर हमको नेगेटिव रखना है, और बीच वाले पर पॉजिटिव। अब मीटर पर देखिए 832 के करीब रीडिंग आ रहा है। अभी यहाँ पर एक सेल आया, एक सेल और आएगा तब मैं कंफर्म हो पाऊंगा कि कौन सा बेस और कौन सा पीएनपी या फिर एनपीएन है। देखिए इधर भी रीडिंग आया, इसको नेगेटिव को फर्स्ट वाले पिन पर रखा और पॉजिटिव को बीच वाले पर, और फिर पॉजिटिव को यहाँ पर, तो मेरा रीडिंग आया। देखिए रीडिंग आया, यहाँ पे भी रीडिंग आया। तो हम समझ सकते हैं कि मेरा बीच वाला यहाँ पर रखे नेगेटिव को, तो ये मेरा बेस हो गया, फर्स्ट वाला पिन बेस हो गया। बेस मतलब बीच वाला नेगेटिव है, तो यहाँ पर एन हो गया, ये हो गया पी और ये हो गया पी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पी एन पी, ये मेरा ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। कैसे पता किए? बीच में रखे नेगेटिव और दोनों साइड रखे पॉजिटिव, तो बीच में नेगेटिव मतलब पीएनपी, सीधा पीएनपी, ये ट्रांजिस्टर मेरा पीएनपी है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अब ठीक इसी तरह रखते हैं इसको भी। यहाँ पे फर्स्ट वाले पिन पर रख देता हूँ नेगेटिव और बीच वाले पिन पर रखता हूँ पॉजिटिव। देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है मीटर पर। अब इसको यहाँ रखते हैं फिर फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं है, शायद मेरा ये एनपीएन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अभी आपको प्रूफ के साथ पता चल जाएगा। देखिए पॉजिटिव को फर्स्ट वाले पिन पर रखा और बीच वाले पे नेगेटिव रखा, तो देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रहा है कितना, 750 के करीब, 800 के करीब, और इधर भी आए, और अगर इधर भी आ गया तो हम समझ जाएंगे ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इधर भी मेरा रीडिंग आया, ठीक है, मतलब बीच में पॉजिटिव रखें और दोनों लास्ट में नेगेटिव रखें तो दोनों साइड मेरा रीडिंग आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं एनपीएन, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर मेरा एनपीएन निकला और ये ट्रांजिस्टर पीएनपी निकला। अब देखिए इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिए, इसके ऊपर 1F लिखा हुआ है, इसके ऊपर 3F लिखा हुआ है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोडिंग के हिसाब से पता कर सकते हैं कि मेरा ट्रांजिस्टर एनपीएन है या फिर पीएनपी है। ये सुविधा आपका केवल एसएमडी पैकेज में है। जिस ट्रांजिस्टर के ऊपर 1F लिखा है उसको आप समझ सकते हैं वो आपका ट्रांजिस्टर एनपीएन है, और जिस ट्रांजिस्टर के ऊपर आपका 2F 3F लिखा हुआ है उसको आप समझ जाइए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर नॉर्मल वाले ट्रांजिस्टर में समझा था कि पीएनपी एनपीएन कैसे पता किया जा सकता है, और इसमें भी समझ लिया एनपीएन पीएनपी कैसे पता कर सकते हैं। अब इसमें आपने एक चीज और समझा है, एमीटर कलेक्टर बेस कैसे पहचानता है, तो इसमें भी आपको पहचानना पड़ेगा एमीटर कलेक्टर बेस। तो कैसे पहचानिएगा? अब आप यहाँ पर सीधा नहीं पकड़ लीजिएगा कि बीच वाला मेरा बेस है, यही इसमें डिफरेंस है एसएमडी और नॉर्मल में, ठीक है, क्योंकि इसमें बीच वाला पिन बेस नहीं है। बेस कौन सा है आपको ट्रांजिस्टर को इस हिसाब से रखना है। देखिए ध्यान से ट्रांजिस्टर को आपको इस हिसाब से रखना है, दोनों पिन इधर होना चाहिए और बीच वाला पिन इधर होना चाहिए। अब जो मेरा फर्स्ट वाला पिन होगा वो बेस होगा,
फर्स्ट वाला पिन बेस होगा और बीच वाला पिन कलेक्टर होगा और लास्ट वाला पिन एमिटर होगा। कैसे पकड़ना आपको एसएमटी ट्रांजिस्टर को, इस हिसाब से पकड़ना है, ठीक है। फर्स्ट वाला बेस हो गया, बीच वाला कलेक्टर हो गया और लास्ट वाला एमिटर हो गया। आप इस हिसाब से आप एसएमटी पैकेज ट्रांजिस्टर का पिन डिटेल निकाल सकते हैं, कौन सा पिन एमिटर है, कौन सा पिन बेस है, कौन सा कलेक्टर है और कैसे एनपीएन पीएनपी है, ये चीज आपने समझ लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और कन्फ्यूजन बन रहा होगा आपको कि मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि मेरा ट्रांजिस्टर खराब है या फिर सही। तो आपने यहाँ पर देखा चारों ट्रांजिस्टर को आपको चेक करके दिखाए और मेरा जो रीडिंग आ रहा था वो 700-750 के करीब आ रहा था। अगर आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बीच में आपको नेगेटिव रखना है और दोनों साइड पॉजिटिव रखना है। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो अगर बीच में नेगेटिव रखने से और दोनों साइड से पॉजिटिव रखने से आपका रीडिंग 700-750 आ रहा है तो आपका ट्रांजिस्टर सही है। अगर उससे कम आ रहा है, मतलब 200-150-300, तो आपका ट्रांजिस्टर खराब है या फिर शॉर्टिंग आ रहा है, मीटर पर वीप का सोन आ रहा है तो आपका ट्रांजिस्टर खराब है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर बताएं शॉर्टिंग का वीप का सोन नहीं आना चाहिए और रीडिंग 700 से नीचे नहीं आना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।